Good morning, dear viewers and my dear students. Myself is Mohammad Hussain, lecturer in environmental science from Government Higher Secondary School, Akhtemal. So we are discussing the fourth unit of 12th class. इसमें से हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस किया है, यानी सॉलिड वेस्ट, इसके सोर्सेस, जनरेशन एंड इम्पैक्ट्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड इट्स डिस्पोजल. सो आज हम इसके मैनेजमेंट कैसे किया जाते हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे. तो जहाँ तक मैनेजमेंट का सवाल है कि इस सॉलिड वेस्ट को हमने प्रॉपर तरीके से, इसमें हमारे कुछ ख़ास स्टेप्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहले कलेक्शन, सॉलिड वेस्ट की कलेक्शन होते हैं, फिर जाके इसकी यानी ट्रांसपोर्टेशन then we'll go for storage then we'll go for proper disposal. तो ये कुछ खास स्टेप्स इस मैनेजमेंट की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर लगता है. इसमें प्रॉपर एक सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट या यानी एक जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो आमतौर पे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर वेरियस तरीके से होते हैं, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. जैसे कि हमारे सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट के अंदर जो है, सबसे पहले कलेक्शन एक इम्पोर्टेंट स्टेप होते हैं. कलेक्शन डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट तरीके से होते हैं. से बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर, ख़ासतौर पर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर डोर टू डोर कलेक्शन किया जाते हैं. यानी इवन सम एडवांस कंट्रीज़ के अंदर क्या होते हैं कि वेस्ट को ऑलरेडी जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर ही इसको सेग्रीगेट किया जाते हैं. सेग्रीगेट करके अलग कलर कोडेड प्लास्टिक बैग्स के अंदर इसको जमा किया जाते हैं एट द सोर्सेज ऑफ जनरेशन. और इसको जो इसके जो वर्कर्स है, इस वेस्ट को कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं, इसको कलेक्ट किया जाते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाते हैं. Whereas some other countries या other areas के अंदर door to door जो collections feasible नहीं होते हैं या practice नहीं किया जाते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, आमतौर पर community bin का इस्तेमाल किया जाते हैं. वहाँ पर community bin का इस्तेमाल किया जाते हैं. Community bin जो कि आमतौर पर गलियों के चौराहे पे या सड़क के किनारे पे इस बीन को रखा जाते हैं. तो जो वेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, आमतौर पर जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर, जो रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर होते हैं, जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो इस वेस्ट मटेरियल को लाके इस कम्युनिटी बीन में डंप किया जाते हैं और वहाँ से इस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाते हैं. राइट. सो ये हमारे पास कि कैसे इसकी ट्रांसपोर्टेशन या कलेक्शंस होते हैं. फिर फाइनली हमारे आमतौर पर जो म्यूनिसिपल वेस्ट जिसे कहा जाते हैं, वो आपके म्यूनिसिपल कमेटी के जो लोग होते हैं, वो अपने ख़ास कुछ व्हीकल्स के द्वारा इस वेस्ट को कलेक्ट किया जाते हैं गाड़ियों के अंदर और इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं टू अ पर्टिकुलर डिस्पोजल साइट पे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाते हैं. अब क्या है कि बहुत सारे जगहों पे जहाँ ये डिस्पोजल साइट्स होते हैं,
वहाँ पर जब इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो इसको सेग्रीगेशन किया जाते हैं, डिस्पोजल साइट पे इसको हम सेग्रीगेट किया जाते हैं, क्योंकि इस वेस्ट के अंदर दो ख़ास तरीके के या दो या तीन से ख़ास तरीके के चीज़ें इसमें पाया जाएगा। एक ये होगा, एक यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे। बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है इस टोटल वेस्ट के अंदर, उसको अलग से कलेक्ट किया जाएगा, अलग से यानी इसको सेपरेट किया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा वेस्ट है जो डिकम्पोज होके यानी इसको हम इवन बहुत छोटे वॉल्यूम में तब्दील कर सकते हैं, छोटे वॉल्यूम में भी तब्दील कर सकते हैं, इवन हम इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास जो पोर्शन इसमें होते हैं वो रिसाइकलेबल चीज़ें होते हैं। रिसाइकलेबल जो है यानी वो वेस्ट जिसको हम दोबारा से इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स है, ये प्लास्टिक मटेरियल्स है, या ग्लासेस के जो चीज़ें हैं, या मेटल्स के आइटम्स है, आर्टिकल्स है, वो सारे जो है हम इसको रिसाइकल करा सकते हैं। तो हम ऑन द स्पॉट ऑफ सेग्रीगेशन वी सेपरेट द कंबस्टेबल या डिग्रेडेबल एज वेल एज द रिसाइकलेबल। तो कुछ चीज़ें जो होते हैं इनर्ट फॉर्म के होते हैं, जो ना रिसाइकल किया जा सकते हैं या ना इसको हम डिकम्पोज करा सकते हैं, तो इसको हम अलग से इसको सेपरेट किया जा सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होते हैं सेग्रीगेशन का कि हम वेस्ट को डिस्पोज करने से पहले ही इसका वॉल्यूम को हम कम कर सकते हैं, राइट। और इसमें इसमें से हम कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि आपकी बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जो है, मटेरियल जो है, इट कैन बी यूज्ड एज ए बायोगैस और यू कैन यूज़ एज ए फर्टिलाइज़र, मैन्योर्स बना सकते हैं इसके, एग्रीकल्चर के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे जो रिसाइकलेबल चीज़ें हैं, इस पर भी आज बहुत सारे कंट्रीज़ जो डेवलपिंग नेशंस के अंदर या डेवलप्ड नेशंस के अंदर, बहुत सारे लोग इसी चीज़ पे अपने यानी एक एम्प्लॉयबल जो है, यानी जिस पे हम अपनी ज़िंदगी की जो रोज़ी रोटी है वो कमा सकते हैं बहुत सारे लोग। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ करा सकते हैं, इसको रिसाइकल करा के, राइट, रीयूज़ करेंगे तो एक तो रिसोर्सेज पे प्रेशर भी कम होगा, दूसरा इसको हम यानी अपने बेनिफिट के लिए दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें उसके अंदर होते हैं जैसे सॉयल डेब्रिस है या कुछ इनर्ट मटेरियल्स होते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं लैंडफिल के लिए हम इसको भेज सकते हैं, राइट, लैंडफिल के द्वारा। हालांकि हमारे जो ऑलरेडी सॉलिड वेस्ट के अंदर हमने देखा है कि टोटल वेस्ट के अंदर कुछ हैजर्डस वेस्ट भी होते हैं, कुछ वेस्ट होते हैं जिसको हम हैजर्डस वेस्ट कहा जाते हैं, जो कि एक बहुत ख़तरनाक हेल्थ कंसर्न होते हैं इसके अंदर। उस चीज़ को हम और भी प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बाकी जो नॉन हैजर्डस वेस्ट है उसको हम इस तरह से प्रॉपर यानी इस तरीके से हम वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कॉमन प्रैक्टिसेस है डिस्पोजल का, उसमें हमारे पास सबसे जो पुराने ज़माने से जो प्रैक्टिस हम करते आया है वो है ओपन डंपिंग। तो फर्स्ट डिस्पोजल मेथड हमारे पास है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग एक कॉमन प्रैक्टिस इवन आज भी है और बहुत सारे सालों से इस प्रैक्टिस को हमने अपनाते आया है। ये इसलिए कि हाँ, ये एक बहुत ही ईजी अफोर्डेबल प्रैक्टिस है जिसमें आपको कोई ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है, और आमतौर पर लोग जहाँ पर आपको कोई सिटी के आसपास या रीजन के आसपास कहीं पे कोई लो लाइंग लैंड आपको मिल जाते हैं, या समटाइम्स इससे थोड़े से पिट की फॉर्म में हम इसको एक्सकेवेट करके किसी कोई जगह निकाल देते हैं, या कोई कहीं वेस्ट लैंड आपको नज़र आते हैं तो सीधा उसी जगह पर ये सारी वेस्ट मटीरियल को डंप कर जाते हैं। तो ओपन डंपिंग एक बहुत ही अनसाइंटिफिक और यानी हैजर्डस प्रैक्टिस है, जिसमें क्या होता है कि जो वेस्ट है डायरेक्टली स्कैटर्ड हो जाते हैं कहाँ पर, ओपन फील्ड में, ठीक है, यानी आपकी बहुत सारी खेतों में या आसपास की जगहों में ये जा सकते हैं, इवन दे गेट इंटर्स इनटू एयर,
हवा में भी जा सकते हैं, इन द डिकम्पोजेबल थिंग्स जो वोलाटाइल सब्सटेंस बन जाते हैं वो एयर में चला जाते हैं, और इसको ये आपकी वाटर बॉडीज़ को भी, वाटर बॉडीज़ में भी चला जा सकते हैं। हवा विंड जब तेज़ी से आते हैं तो बहुत सारे हल्के हल्के जो वेस्ट होते हैं वो वहाँ से उड़ा के वाटर बॉडीज़ तक लेके चला जाते हैं। इसके अलावा ये आपकी फ्लाइज के लिए एक इम्पोर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं, जैसे हमने एडलिया कहा इम्पैक्ट ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट की। सॉलिड वेस्ट की सबसे बड़ी इम्पैक्ट ये है जब इनको हम ओपनली डंप करते हैं तो वहाँ जो है रेन के सीज़न में ख़ासतौर पर ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्या बना देते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड बना देते हैं फ्लाइज़ के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि ये फ्लाइज़ जो है कॉमन लोगों में डिजीज़ बहुत सारे कस्म के डिजीज़ जो ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। इसके अलावा जैसे स्ट्रे डॉग से या रेड से इस तरह की या कैटल से उनको अट्रैक्ट करते हैं इस तरह की चीज़ें जो इवन इन एनिमल्स के लिए भी नुकसानदेह होते हैं, और ये एनिमल्स कहीं ना कहीं से कैरियर बनते हैं बहुत सारे यानी बीमारी पैदा करने वाली चीज़ों को आगे कैरी कर सकते हैं। तो ये एक अनसाइंटिफिक और ये इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह प्रैक्टिस है। दूसरा हमारे पास होते हैं, सेकंड जो आम प्रैक्टिस किया जाते हैं वो है ओपन बर्निंग। ओपन बर्निंग, ओपन बर्निंग भी एक कॉमन प्रैक्टिस है, पुराने ज़माने से इस प्रैक्टिस को अपनाते आया है। तो ये भी एक साइंटिफिक प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। लोग बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम इसको जलाएंगे तो आपके सामने जो वेस्ट है वो सामने से गायब हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बर्निंग करने से आपका मसला हल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बर्निंग करने से बहुत ज़्यादा स्मॉग जो है वहाँ पर बनते हैं, और ये स्मॉग जो है बहुत सारे पोल्यूटेंट्स एयर में रिलीज करते हैं, इंक्लूडिंग द फ्लाई एश। ठीक है, फ्लाई एश के समेत बहुत सारे पोल्यूटेंट जो है एयर में रिलीज करते हैं, और इसके जो एश बन जाते हैं वो भी एक प्रॉब्लम होते हैं। ये आसपास जो है बहुत स्मेल्स यानी फॉल स्मेल्स क्रिएट करते हैं, और इस तरह से उस एरिया की जो एस्थेटिक वैल्यू है वो भी ख़त्म कर देते हैं। तो दोनों जो है ओपन डंपिंग या ओपन बर्निंग है, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन ये अनसाइंटिफिक और इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। समटाइम्स और एक ख़ास ओपन डंपिंग होते हैं जो ओशंस के अंदर होते हैं, यानी डंपिंग इन ओशंस, ओशन या इवन रिवर्स में भी लोग जो है डायरेक्टली डंप करते हैं, राइट। तो ओपन डंपिंग या जो डंपिंग ओशंस है वो कहाँ होते हैं आमतौर पर, या रिवर्स, वो जगह जहाँ पर वो लोग जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, कोस्टल एरियाज़ में आमतौर पर अपने घर के अंदर वेस्ट जनरेट होते हैं या कम्युनिटी के अंदर वेस्ट जनरेट होते हैं, वो डायरेक्टली कलेक्ट करके सीधे तरीके से ओशन में डंप करते हैं। जो जो आपकी जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट है उस एक्वाटिक इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह से मुतासर करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे पोल्यूटेंट्स, जैसे हम आजकल देखते हैं कि ओशंस के अंदर जो प्लास्टिक का मात्रा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे प्लास्टिक कंटेनर्स बड़े बड़े ह्यूज ओशंस में जमा होते नज़र आते हैं। उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो लिविंग थिंग्स है पानी के अंदर, फिशेस वगैरह है, या तो वो छोटे हैं तो वो इंजेस्ट करके उसकी हेल्थ प्रॉब्लम काज करते हैं, या उसके अंदर इंटेंगल हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिस वजह से उसका मूवमेंट नहीं हो पाते हैं, और इस तरह से उनका डेथ होना शुरू हो जाते हैं। तो एक बड़ी कारण होते हैं। और दूसरा ये इस वाटर के अंदर एसिडिफिकेशन प्रोसेस भी तेज़ी से चलाते हैं। ठीक है, तो ये है कि कुछ प्रैक्टिसेस जो आमतौर पर लोग आज भी करते हैं और बहुत सालों से इस प्रैक्टिस को अपनाते आए हैं। अब हमारे पास और एक मेथड होते हैं वेस्ट डिस्पोजल का, वो है लैंडफिल। लैंडफिल जो है ये बहुत डिफरेंट स्टेजेस में आप लोग इस प्रैक्टिस को अपनाते हैं। एक होते हैं कॉमन लैंडफिल, जिसके अंदर क्या है कि एक ज़मीन यानी एक लैंड एरिया जो है हम कलेक्ट करते हैं, इसको हम या तो एक ऑलरेडी एक ट्रेंच वहाँ पाया जाते हैं, एक ट्रेंच होते हैं, या एक पिट वहाँ होते हैं, या हम इसको बनाया जाते हैं, एक पिट यहाँ पर बनाया जाते हैं, और वेस्ट को डायरेक्टली हम इस पिट के अंदर या ट्रेंच के अंदर हम डंप कर जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि
आपका वेस्ट तो फिलहाल ही इसमें डंप किया जाएगा, लेकिन ये जो वेस्ट है ये वेल क्लोज नहीं होते हैं, यानी पैकेट नहीं होते हैं। इस वजह से इसमें से दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें होते हैं। एक ये होते हैं कि इसके बॉटम लेयर पे या अगर ओपन रखे होंगे तो सरफेस पे, अगर ओपन है तो सरफेस पे इसके लीचिएट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? लीचिएट्स बनते हैं। लीचिएट बेसिकली ये वो चीज़ है, लिक्विड मटेरियल है जो इसके अंदर जो ख़ास तौर पर डिकम्पोजेबल चीज़ें होते हैं या छोटे इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह होते हैं, वो जब रेनी सीजन होते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आगे मूवमेंट करना शुरू कर जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आगे इस वेज से मूवमेंट करना शुरू कर जाते हैं। ये लीचिएट्स जो है या तो सीधी वो इस ज़मीन से अंदर सीप होके आपकी अंडरग्राउंड वाटर में चला जा सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन करा सकते हैं, या ये सरफेस थ्रू द रन ऑफ जो आपके होते हैं रेन का, उस रन ऑफ के द्वारा किसी वाटर बॉडी में इंटर हो सकते हैं। एक ये इसकी बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। दूसरा ये है कि जब हम एक ओपन इस तरह से लैंडफिल्स कराया जाते हैं तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट गैस बनते हैं, जैसे हमारे गारबेज की वजह से ख़ास तौर पर यहाँ पर जो कुछ ख़ास गैसेस बनते हैं लाइक मीथेन, जिसमें ज़्यादा मात्रा मीथेन का होते हैं, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस भी होते हैं, बट दीज आर गैसेस आर दी ग्रीन हाउस गैसेस। इसको हम लैंडफिल गैस भी कहा जाते हैं। क्या कहा जाते हैं? लैंडफिल गैस भी कहा जाते हैं। तो ये लैंडफिल गैस जो है बींग ग्रीन हाउस गैसेस, ये क्लाइमेट चेंज में बड़ा इम्पोर्टेंट या ग्लोबल वार्मिंग में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मफुल गैसेस जैसे H2S है, इस तरह की गैसेस का मात्रा बनते हैं इस तरह के ओपन डंपिंग के अंदर या लैंडफिल के अंदर। अब लैंडफिल को थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट यहाँ पर किया गया है, इम्प्रूवमेंट जो किया गया है उसको हम सैनिटरी लैंडफिल कहा जाते हैं। उसको हम क्या कहा जाते हैं? सैनिटरी लैंडफिल एक हम कह सकते हैं कि एक इकोनॉमिकल या एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इवन वी कैन से इट इज़ इजी टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है, ये एक बहुत ही इको फ्रेंडली भी प्रैक्टिस है। इसमें होता क्या है कि लाइक द अदर थिंग्स, हम क्या करते हैं, एक साइट को सिलेक्ट करते हैं, यानी उस साइट को सिलेक्ट करके, साइट ऐसा होना चाहिए जो आपके रेजिडेंशियल एरिया से दूर हो और जहाँ पर यानी इसकी इम्पैक्ट लोगों पर कम हो, ऐसा कोई साइट हम जो है चूज़ किया जाते हैं। फिर हम इसको यानी इंजीनियरिंग के द्वारा हम इसको कंस्ट्रक्ट किया जाते हैं, एक बड़ी सी ट्रेंच के फॉर्म में इसको खोदा जाते हैं, एक्सकेवेट किया जाते हैं। एक्सकेवेट करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको प्रॉपर एक लाइनिंग से कवर किया जाते हैं, आमतौर पर एक प्लास्टिक कवरेज किया जाते हैं या एक इम्परमेबल लेयर से इसको कवर किया जाते हैं नीचे बॉटम से। इस इम्परमेबल लेयर से कवर करने का फ़ायदा ये होते हैं कि इसके अंदर जो लीचिएट्स ख़ासतौर पर बन जाते हैं, लीचिएट हमने जैसे अर्लियर कहा कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक एक लिक्विड फॉर्म के मटेरियल होते हैं जो आमतौर पर इन्हीं वेस्ट से जनरेट होते हैं ड्यू टू द डिकम्पोजिशन और द ब्रेकडाउन की वजह से, जो लिक्विड ख़ास तौर पर लिक्विड फॉर्म में ये यहाँ बनना शुरू हो जाते हैं जो आगे मूव कर सकते हैं या सीप कर सकते हैं और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक इम्परमेबल लेयर से, यहाँ पर ये जो कवर किया गया है इम्परमेबल, इसके ऊपर हम अपने जो वेस्ट है जिसको हमने डंप करना है उसको हम इसमें पुट करते हैं। इसके ऊपर हम एक सॉइल कवर इसको करेंगे, सॉइल कवर करके जो हमारे कंप्रेसर्स होते हैं या जो रोलर्स होते हैं, रोलर के ज़रिए हम इसको कंपैक्ट करेंगे। कंपैक्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका वॉल्यूम जो है बहुत कम हो जाते हैं, अप्रॉक्सीमेट जो लूज साइज है उसका 50% रिडक्शन हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, राइट। तो ये डेली बेस पे भी हम कर सकते हैं, डेली हम इस तरह से लेयर वाइज सॉलिड वेस्ट को यहाँ पर हम डंप कर सकते हैं। फिर अगली बार नेक्स्ट इसी के ऊपर जो है हम नेक्स्ट वेस्ट को हम इसमें डंप कर सकते हैं। डंप करने के बाद फिर वैसे ही हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर एक सॉइल लेयर जो है
चढ़ाएंगे, इसके बाद हम इसको फिर से कंप्रेस कराएंगे। तो इस तरह से हम ये लेयर वाइज जो है टोटल डेली बेसिस पे हम इस वेस्ट को यहाँ पर डंप करते जाएंगे। फाइनली जो लास्ट लेयर है टॉप सॉइल हम यहाँ पर लगा देंगे। जब ये ट्रेंच भर जाते हैं, टॉप सॉइल हम इस तरह से लगाएंगे कि इसमें हम आसानी से वेजिटेशन भी ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर सॉइल कवर करेंगे जिससे हम आसानी से प्लांट्स भी ग्रो करा सकते हैं। तो ये सैनिटरी लैंडफिल जो है एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक इकोनॉमिकल प्रैक्टिस है जिसके द्वारा हम वेस्ट को यानी डिस्पोज करा सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा एक इम्पोर्टेंट मेथड है सैनिटरी के बाद, जो हमारे पास जिसको हम इंसिनरेशन कहा जाते हैं, राइट। इंसिनरेशन ये इनफैक्ट एक कॉमन प्रैक्टिस है पुराने ज़माने से। इनफैक्ट इंग्लैंड में ये 1874 में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो इसमें क्या होते हैं, हीट ट्रीटमेंट किया जाते हैं वेस्ट को, यानी हीट के ज़रिए हम वेस्ट को कंबस्ट किया जाते हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 1000 डिग्री सेल्सियस हीट प्रोवाइड किया जाते हैं विद द एक्सेस प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पर एयर का प्रेजेंस इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम वॉलेटाइल सब्सटेंस बनाया जाए, जिस वजह से एयर पोल्यूशन कम हो, राइट। तो ये इंसिनरेशन जो है इसके कुछ ख़ास नुकसान या लिमिटेशन है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम वेस्ट को कम्बस्ट किया जाते हैं तो बहुत सारे वॉलेटाइल जो गैसेस है स्मॉग की फॉर्म में ये एयर पोल्यूशन करा सकते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पर जो फ्लाई ऐश या सूद पार्टिकल्स जो है काफ़ी मकदार में यहाँ से जनरेट होते हैं। तो इसके बाद जो इसमें ख़ास बात यह है कि ये जो इंसिनरेशन है इसको लेटर ऑन थोड़ा मॉडिफाई कराया गया। लेटर ऑन जब इसको मॉडिफाई किया तो इसको और भी ज़्यादा टेक्निकली एडवांस बनाया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसके साथ हम इसको जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस है लाइक दी स्क्रबर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स या आपके सिंपल जो हमारे वेट स्क्रबर्स होते हैं या जो फिल्टर बैग्स वगैरह जो है इस्तेमाल करके यानी इमिशन को हम मिनिमाइज किया जा सकते हैं। इसके बाद इसका और एक बेनिफिट या एडवांटेज आज के ज़माने में यह है कि जो हीट यहाँ जनरेट होते हैं, इस हीट को हम एक ख़ास स्टील ट्यूब के ज़रिए हम इस हीट को पास कराते हैं और इसको बॉयलर्स के साथ अटैच किया जाते हैं, जहाँ पर वाटर को बॉयल करके वाटर को स्टीम में ट्रांसफ़र कर जाते हैं और ये स्टीम जो है डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं। यानी जो हीट यहाँ से जनरेट होगा वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से एडवांस फॉर्म ऑफ इंसिनरेशन जो है वो पोल्यूशन भी कम करेंगे और कुछ बेनिफिट भी यहाँ से मिल सकते हैं, हम इससे एनर्जी भी पैदा कर सकते हैं। इंसिनरेशन नेक्स्ट हमारे पास एक डिस्पोजल मेथड जो इम्पोर्टेंट है वो है कंपोस्टिंग हमारे पास है। कंपोस्टिंग यानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इकोनॉमिकल, या कह दीजिए कि ये एक बहुत ही प्रैक्टिस जो इजी हम बना सकते हैं, हर जगह हम इसको अवेलेबल कर सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ख़ासतौर पर जो डिकम्पोजिबल वेस्ट है जिसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको हम बायोलॉजिकली हम इसको डाइजेस्ट या डिकम्पोज किया जाते हैं। इसमें कुछ ख़ास स्टेप्स इस तरह से होते हैं। सबसे पहले हमने सॉर्टिंग एंड शेडरिंग किया जाते हैं। यानी जो डिकम्पोजिबल मटेरियल है उसको सेपरेट करना है हमने दूसरे मटेरियल से, लाइक दी ग्लास मेटल्स एंड
दिस वुडन लॉक्स एक्सेट्रा, उससे हम सेपरेट करके फिर इसकी शेडरिंग किया, पल्वराइज किया जाते हैं। पल्वराइजेशन का फ़ायदा कि इसका वॉल्यूम कम हो जाते हैं। पल्वराइज करने के बाद हम इसको डाइजेस्टर यानी जहाँ पर इसकी डिकम्पोजिशन होते हैं वहाँ पर हम इसको डालते हैं। हमारे पास दो तरह के डाइजेस्टर या डिकम्पोजिशन चैम्बर होते हैं, एक ओपन विंडो सिस्टम होते हैं, और एक इनक्लोज्ड मैकेनिकल सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल टेक द अदर्स अनदर टॉपिक लाइक द हैज़र्डस वेस्ट। थैंक यू।